हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब होप सब सेफ होंगे सुरक्षित होंगे आज हम डिस्कस करेंगे रूल 138 ई ऑफ द सीजीएसटी रूल 2017 जो कि थाउजेंड से जो रिगार्ड में है जो इसमें एक चीज और एड ऑन करी गई है तो आइए पूरा रूल डिस्कस करते हैं कि इस रूल में क्या कहा गया है जो कि बात करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ जी आर ई डब्ल्यू बी जीरो जैसे ही हम ईडब्ल्यू बिल क्रिएट करते हैं तो पार्ट ए पहले फिल करते हैं और फिर पार्ट बी करते हैं तो यहाँ पे कहा गया है और ये कहता है कि नो पर्सन इंक्लूडिंग कंसाइनर कंसाइनी ट्रांसपोर्टर ई कॉमर्स ऑपरेटर और कोरियर एजेंसी इनमें से कोई भी हो

चाहे वो जो पहले प्रोविजन था सेक्शन टेन में उसके हिसाब से हो या फिर वो फर्दर जो नोटिफिकेशन टू टू जो हुई थी जो कि सात मार्च दो हजार ले सकता था उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी थी उसके अलावा जो है अगर वो रिस्ट्रिक्शन में फॉल नहीं करता तो पचास लाख तक की टर्न वाला एस जो है कंपोजिशन ऑप्ट कर सकता था फर्दर और जो है उस रे, उस उसमें जो रेट चार्ज होगा जीएसटी रेट वो 3% सीजीएसटी 3% एसजीएसटी चार्ज होगा होना था उसमें तो अगर वो वाला केस है कंपोजिशन डीलर का केस है तो उस केस में अगर दो क्वार्टर की सीएमपी 08 फाइल नहीं होती तो ऐसे केस में वो ईडब्ल्यूबी 01 का पार्ट ए फिल नहीं कर पाएगा और सेकंड पार्ट बी में कहता है कि बीइंग अ पर्सन अदर देन पर्सन स्पेसिफाइड इन ए

और नॉर्मल के केस में भी दो मंथ की फ़ाइल नहीं होने पे ईड्ल्यू बी जीरो मतलब कंपोजिशन के अलावा ही नॉट बींग फर्निश द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फॉर अ टू मंथ और क्वार्टर एज द केस में भी ये कवर करता है जीएसटीआर वन अब जीएसटीआर वन भी इसमें डाल दी गई है अगर जीएसटीआर वन जो है दो अगर मंथली मोड है तो दो मंथ की जीएसटीआर अगर पेंडिंग होगी तो उस केस में भी पार्ट ए नहीं भरा जाएगा और अगर क्वार्टरली मोड है तो दो क्वार्टर की जीएसटीआर वन पेंडिंग होगी तो वहां पे भी ईडब्ल्यू बी जीरो वन का पार्ट ए फिल आउट नहीं होगा तो अब जो है सी कंडीशन मतलब अब जो है इसके अलावा जीएसटीआर आर वन को भी इनबिल्ड कर दिया गया है इसके अलावा अगर हम बात करें

अगर एस एस सी जो है कमिश्नर को आ, रिक्वेस्ट करता है एप्लीकेशन के थ्रू एडब्ल्यूबी बी जीरो फाइव अगर के थ्रू इ डब्ल्यू बी जीरो फाइल करेगा कि और एक सफिशियंट रीजन देगा कि इस वजह से मैं नहीं जो है आ, फाइल कर पाया तो आ, जो है कमिश्नर अलाउ कर सकता है ई डब्ल्यू बी जीरो सिक्स से जी, कि वो जो है जो है अपना ई वे बिल पार्ट ए फिल आउट कर सके ई डब्ल्यू बी जीरो फाइव में जो है

कमिश्नर ऑर्डर को अगर एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है तो उसको पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ट देना पड़ेगा इसमें फर्दर यह कहता है प्रोवाइडेड आल्सो डेट परमिशन ग्रांटेड और रिजेक्टेड बाय द कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स और द कमिश्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी टैक्स टू बी ग्रज द केस में रिजेक्टेड बाय द कमिश्नर अगर स्टेट टैक्स के कमिश्नर ने रिजेक्ट कर दिए है या फिर यूनियन टेरिटरी के कमिश्नर ने रिजेक्ट कर दी है तो मान लिया जाएगा कि सेंट्रल में भी जो है वो कमिश्नर रिजेक्ट कर दी है तो ऐसे केस में और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इंसर्ट की गई है फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल एक्सप्रेशन कमिश्नर जो है वो माना जाएगा जुडिशनल जुडिश जुडिशनल कमिश्नर को ही कमिश्नर माना जाएगा इसके लिए तो होप इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल रही होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के, के साथ टिल देन बाय बाय जय हिंद जय भारत